गया जिले के समाज सेवी सह जेडीयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजू बर्डवाल के पैतृक आवास रमद्र स्थित समर्पण भवन में बिहार सरकार लघु सिंचाई सह SC/ST मंत्री संतोष कुमार सुमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के किसान के हर खेत में पानी पहुंचाने की बात कही गई। श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में जो कमेटी नई मंत्रिमंडल का कमेटी का गठन जो हुआ है, हम बधाई इसलिए नहीं देना चाहते हैं, हम बधाई इसलिए देना चाहते हैं कि गया एक विशाल शहर है और सभी धर्मों का समागम शहर है। पूरे विश्व के लोगों का किसी न किसी रूप में चरण स्पर्श होता है गया के धरती से। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय श्री नीतीश कुमार जी को और माननीय श्री जीतन राम मांझी जी को। निश्चित रूप से जिस विकास की बात हम लोग करते हैं, 15 सालों में जिस सभी लोगों ने, बिहार में रहने वाले आम आवाम, सभी जाति और धर्म के लोगों ने विकास देखा है, खुली आंखों से विकास देखा है, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं आन पड़ी है। और इनके मंत्रिमंडल में शामिल हो जाने से निश्चित रूप से सभी NDA गठबंधन के लोगों में एक उत्साह है और उत्साह आपको देखने का मौका मिल रहा होगा। यहाँ पे सभी लोग स्वयं आए हैं मिलने के लिए मंत्री जी से और सभी लोगों के मन में भाव है कि चहुमुखी विकास की जो बात होती है गया जिले में, खास करके हम गया जिले के रहने वाले हैं तो सभी लोग अपने पक्ष की बात करता है। माननीय मंत्री जी को पूरा बिहार देखना है लेकिन हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को गया जिला देखना है कि गया में विकास हो, गया शहर का विकास हो, गया जिले में विकास हो। तो हमको लगता है कि गया शहर का विकास, गया जिले का विकास निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, माननीय मंत्री जी के सानिध्य में विकास होगा। हम तमाम लोग, जनता दल यू परिवार के लोग नहीं बल्कि NDA परिवार के लोग आपस में मिल बैठ कर करके गया शहर का कैसे विकास हो, कैसे बढ़िया विकास हो, कैसे विस्तारीकरण हो, इसका प्रारूप बना कर करके माननीय मंत्री जी से आग्रह कर करके और विकास कराने का काम करेंगे। देखिए, मैं आप सबके माध्यम से सर्वप्रथम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और ख़ास करके गया के जो NDA परिवार हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोगों का मैं विशेष करके आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि इन्हीं की दुआ, आशीर्वाद और मेहनत से हम लोग आज इस मुकाम पर हैं कि हमारी सरकार बनी है, कि विकासशील सरकार बनी है और ख़ास करके गया में हम लोग आज हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जो मुझे मंत्री पद प्राप्त हुआ है ये इन्हीं सब का आशीर्वाद है, खास करके राजू बनवाल जी हैं और भी जो हमारे आदरणीय गार्जियन लालजी बाबू हैं और सब लोग का भरपूर प्यार मिला है। इस भरपूर प्यार के लिए मैं तहे दिल से सबका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और सबका कहना कि मैं जितनी भी मैं सेवा कर सकता हूँ, हम समझते हैं कि गया के लिए कमी होगा। आपको जो विभाग मिला है उसमें क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का क्योंकि ये उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक विभाग ऐसा विभाग है जो हर खेत को पानी पहुँचाने का दायित्व है इस विभाग को। और जब हर खेत में पानी पहुँचेगा तो आप सबको पता ही होगा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की 70-80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, उन्हीं जीवन का जो रोजगार का है, जीवन यापन का जो जरिया है कृषि है। और जब कृषि से बात है तो जब पटवन की बात होती है, पानी की बात होती है, तो हम लोग, हमारा जो विभाग है वहाँ पर सिंचाई का साधन मुहैया कराती है। और जब सिंचाई का साधन सही समय में हो जाएगा तो चेहरों पर मुस्कान आएगी, हरियाली आएगी, शांति आएगी, समृद्धि आएगी। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर खेत में पानी पहुंचाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उनकी आशा है और आने वाला समय में हम लोग सब बैठ के बात करके हम लोग एक कार्य योजना तैयार करेंगे जिससे हर चेहरे पर मुस्कान हो, गरीब के चेहरे पर मुस्कान हो, किसानों के चेहरे पर मुस्कान हो। बिहारवासियों को बाढ़ और सूखा दोनों से फेस करना पड़ता है। जी जी, क्या योजनाएं लेकर के आए हैं? जी, हम लोग बैठेंगे तो अधिकारियों के साथ बात करेंगे, यहाँ के प्रभुत्व व्यक्ति हैं सभी लोगों से, और जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पर जाकर के, और एक नई रूपरेखा आपको देखने को मिलेगा आने वाला समय में। अभी हमने ज्वाइन ही किया है और अभी समझ रहे हैं सारी बातों को। हम समझते हैं कि जितनी मेरी क्षमता है, जो मैंने सीखा है, हम अपना बेहतर देने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप सबको पता ही होगा गंगा का पानी लाने का यहाँ प्रयास हो रहा है और काम शुरू भी हो गया है और बियर का भी काम उन्होंने शुरू किया है
हम समझते हैं कि बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री हम लोग को मिले हैं, विकासशील मुख्यमंत्री मिले हैं और उनके निर्देशन में हम लोग काम करेंगे और इस पर जो बैठकें होगी और गया से विशेष खास हम लोग का लगाव है क्योंकि हम लोग का कार्य क्षेत्र है, जन्मभूमि है। हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने भी ये काम करने की कोशिश की थी और उनका भी एक ड्रीम है, उनका एक सपना है। हम समझते हैं कि इसको हम लोग आगे बैठ करके तय करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि गया उनका जो अपना महत्व है प्राचीन समय से चाहे धार्मिक से एक महत्व कायम रहे, गया के निशान है, आन बान बरकरार रहे, इसके लिए हम लोग।